हरियाणा के यमुनानगर में 4 दिन पहले हुए झगड़े में घायल युवक की पीजीआई में मौत के बाद आज परिजनों ने मृतक का शव चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान डीएसपी यमुनानगर प्रमोद कुमार ने मृतक के परिजनों को सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिलवाया। इस पे आरोप सीधा सीधा ये है कि जो हमारे यहाँ के एसएचओ हैं सरदार सुखबीर सिंह जी, इसको कई बार ये कंप्लेंटें परिवार ने तो दी हैं, मैंने भी दी हैं आके साथ में, भाई साहब ने भी आके साथ में दी हैं कि भैया इन परिवार के ऊपर नजायती हो रही है बार बार, आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। लेकिन इस एसएचओ ने एक शब्द नहीं बोला, ना इसने कोई कार्रवाई करी, कम से कम और कुछ नहीं निवारक कार्रवाई कर देता 751 की, उनको पाबंद तो करता, लेकिन इसने कुछ नहीं करा। इसने सिवाय पैसे खाने के दूसरी पार्टी से, इसने और इसके डीएसपी सुभाष ने, उसको भी मैंने पर्सनली कई बार ही बोला, लेकिन उसने कोई उसके भी यहाँ पे इन्होंने गणेश उत्सव के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे तो एकदम ये अटैक करा है, और ये अटैक कराने वाला गंजा जो कि सिविल हॉस्पिटल में बैठा है, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये आदमी जो जेल में बंद है, इसको हफ्ता हफ्ता एक मामूली सी चोट के लिए सिविल हॉस्पिटल में क्यों रखा जाता है, और उससे वहाँ पे कैसे लोग आके मिल रहे हैं जो कि ये सारी प्लान करके, इसके ऊपर प्लान मर्डर है ये, और वो सूर्या के ऊपर दबाव डाल रहा था क्योंकि इन्होंने पिछले साल दिसंबर के अंदर शायद लड़के की टांगें तोड़ी थी और वो मुकदमा भी पेंडिंग है, जिसकी कि उसने एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी, बेल रिजेक्ट हो गई थी हाईकोर्ट से, और फिर अब ये शामिल तफ्तीश करके उसने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर रखा है, जिसकी आइंदा आने वाली तारीख 28 अक्टूबर की है, और उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे थे कि उसकी बेल को अपोज करें, लेकिन उससे पहले उसने ये काम करवा दिया। ये लड़का था संजीव का लड़का था सूर्या, इसको 3-4 दिन पहले रात को कुछ बच्चों ने हमला कर दिया था और उसकी लड़ाई झगड़े में पीजे में जाके मौत हो गई थी, सिर में चोट लगी थी उसके, और जिस आज डेड बॉडी को लेकर आए थे, तो इसके इनके पेरेंट्स का, इसके पेरेंट्स का और दूसरों परिवार वालों का ये एलिगेशन था भाई हमारी बच्चे की डेथ हो गई है और प्रॉपर कार्रवाई करें, सो हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं सर। जिस परिवार का कोई नौजवान बच्चा मरता है उनको गुस्सा तो आता ही है भाई, इस रंजिश की वजह से उन्होंने रखा था, कोई ऐसी बात नहीं, समझा दिए चले गए लेकर डेड बॉडी का दाह संस्कार कराने के लिए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये पहले तो इन्होंने 9 आदमियों का नाम दिया था, उसमें से 3-4 आदमी हमने राउंड अप कर रखे हैं, और 15 आदमियों का और इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देख कर दिया है, उनको भी राउंड अप करेंगे। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्हां ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।